नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और स्वागत है आपका नौका नहला में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफर अब आसान होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का उद्घाटन आज करने वाले हैं। पीएम आरआरटीएस गलियारे के तहत दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद और मेरठ बीच चलने वाली पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत की तर्ज पर इसे नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है। आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद से शुरू हो जाएगा। उद्घाटन से पहले रैपिड रेल का ट्रायल भी हुआ। रैपिड रेल ने 152 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड का आंकड़ा हासिल किया है। पीएम के उद्घाटन करने के अगले दिन से ही रेल सेवा शुरू हो जाएगी। तो आज देश के नाम एक सौगात जुड़ने वाली है। रैपिड रेल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और खास बात यह है कि यूपी के गाजियाबाद से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफर अब आसान होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का उद्घाटन करेंगे। पीएम आरआरटीएस गलियारे के तहत दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत की तर्ज पर इसे नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है। आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत रावत भी जुड़ चुके हैं। अजीत, प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देश की पहली रैपिड रेल जो है उसका हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद इसका उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री के हाथों। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीर है सभा स्थल का जहाँ पर लगभग 50,000 लोग आने की उम्मीद है और यहाँ पर आज इकट्ठा होकर सभी तो यहाँ पर लोग लगातार आ भी रहे हैं। लोगों का काफिला जो है अपने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में जो सभा स्थल है वहाँ ये पहुंच भी रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो सभा स्थल के कुछ ही दूरी पर रैपिड मेट्रो का ये देख सकते हैं बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है, इस रेल का नाम दिया गया है नमो भारत के नाम से। ये रैपिड एक्स का जो ये डिब्बा है, 6 पोस्ट का डिब्बा है, ये आप मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं। सातों के वो सामने 1 मिनट की दूरी पर ये जो उद्घाटन है वो किया जाएगा और उसी के बाद ठीक पीछे मेरे सभा स्थल है जहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये पुलिस सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर रहेगी। सभा स्थल के पास हरनंदी नदी है, उस नदी में भी जवानों को मुस्तैद किया गया है, वहां पर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे जो सीआरपीएफ से लेकर के जो जवान है, कमांडो, एसपीजी, हर तरीके की सुरक्षा से लैस सभा स्थल है। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि यहाँ पर धीरे धीरे संख्या जो लोगों की, आम जो लोग हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के दीदार के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आप सामने देख सकते हैं ये काफिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चढ़ करके सीधा जो हरी झंडी दिखाने के बाद सभा स्थल पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें सामने है, देख सकते हैं फूल मालाओं से ये जीप को सजाया जा रहा है, जिसके बाद ये यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे। 1 मिनट की दूरी पर ये इनका फासला है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये 17 किलोमीटर का पहले फेज में ये तैयार किया गया है। मेरठ तक का जो सफर है लोग जल्द ही इसको पूरा कर पाएंगे। फिलहाल दुहाई तक इसको खोला गया है आम जनता के लिए। 17 किलोमीटर का ये सफर जो है वो 15 से 17 मिनट में ये आम जनता तय कर पाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि 6 कोच का ये जो मेक इन इंडिया के तर्ज पर इस आधुनिक ट्रेन को तैयार किया गया है, इसमें 6 कोच बनाए गए हैं, जिसमें ये
पहला एक कोच है जिसमें प्रीमियम है, जिसमें किराया जो है वो दुगना है, और इसी के साथ आपको इसमें बटन दिया गया है जिसके बाद वो जो गेट ओपन और बंद करने का आधुनिक सिस्टम वहाँ पे दिया गया है, बटन को दिया गया है और उस बटन से वो खुलेगा। उसके साथ इसी खूबिया ये है कि ये सराय काले खां से मेरठ तक का जो सफर है ये बनना है। इसके बाद इसकी कनेक्टिविटी जो है जेवर के एयरपोर्ट से हो जाएगा। इसको जल्द ही प्रताप है जनरल वीके सिंह के माध्यम से, इसको केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी के लिए आगे का प्रस्ताव दे सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल जो जान से गाजियाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात तो मिलेगी, पर देश की ऐसी पहली ट्रेन है जो नमो भारत के नाम से जाने जाएगी और एक बड़ा गाजियाबाद की जनता को एक बड़ा सौगात मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ ही घंटे बाद यहाँ पे आने वाले हैं। सभी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, यहाँ डीसीपी से लेकर के पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही इस हमारे तस्वीरों में कैद हुए थे। कुछ ही देर पहले यहाँ पर गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पहुंचे थे, अजय मिश्रा। आप मेरी तस्वीरों में भी देख सकते हो कि सामने एडीसीपी साहब मौजूद है, वहाँ पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, अपने हाथ में कमान सौंप रखी है। और ये पुलिस के चारों तरफ जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हो कि पुलिस की छत पर पहली नजर है। सभा स्थल के आसपास जो बिल्डिंगे बनाई गई है, मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। सभा स्थल के पास जो बिल्डिंगे बनाई गई है उनके सभी के ऊपर पूरे जो लोग हैं वो लगे, वो जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। आसपास के लोगों से आग्रह भी किया गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी गेट या कोई छत पर आने के लिए मनाही की गई है। कोई रिश्तेदार फिलहाल आज के दिन वो कोई रिश्तेदार घर में नहीं आते हैं, इसलिए भी मनाही की गई है। इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि जनसभा स्थल पर धीरे धीरे आला अधिकारियों के साथ सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी भ्रमण माला भी शुरू की जा रही है। यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ साथ अब से कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। जी अजीत, जानना चाहेंगे कि जो ट्रेन होने वाली है कितना इसका किराया होगा मिनिमम, और अगर हम बात करें दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी की तो कितने घंटे में ये तय होगी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फिलहाल 5 स्टेशनों का ये आम आदमी के लिए खुला गया है और इसमें 17 किलोमीटर ये सफर लोग तय कर पाएंगे, जाम से भी निजात मिलेगी। इसका किराया जो नॉर्मल किराया है वो ₹50 रखा गया है, और वहीं अगर प्रीमियम किराए की बात करें तो वहां पर इस किराए को दुगना देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सीट है वो इससे कंफर्टेबल एलसीडी लगी हुई है, वो यात्री होंगे वो चल रही है क्या दिक्कतें हैं, और ट्रेन का जो नक्शा है वो उसमें बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि वहाँ पर आधुनिक उपकरणों से ये लैस मेक इन इंडिया के तर्ज पर इस ट्रेन इस कोच को तैयार किया गया है। जी, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम? देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एडीसीपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और आप तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा कि पुलिस ने अपना, पुलिस प्रशासन ने अपना मोर्चा जो है संभाल रखा है। यहाँ पर कमांडो से एसपीजी कमांडो से लेकर के देखिए मेरे पीछे की तस्वीर है, अब जनप्रतिनिधि और ताता जो है वो अब लगता जा रहा है अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर कमांडो एसपीजी और शासन प्रशासन के 5 जिलों से, आसपास के उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। इसी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पुलिस बल है जो पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है, और समय समय पर सबको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, अभी ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सभा स्थल के पास जो पास में लगे पास में जो सभा स्थल के पास हरनंदी नदी है उसमें भी जवानों की तैनाती की गई है कि नदी के ऊपर भी ड्रोन से नजर रख रहे हैं, सभा स्थल के ऊपर भी ड्रोन से कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने से पहले अपनी जो प्रशासन है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, और आने वाले कुछ ही टाइम में कुछ घंटे बाद ही हरी झंडी दिखा करके रैपिड एक्स नमो भारत रेल का आज उद्घाटन करने वाले हैं। जी अजीत, जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, कहा जा रहा है कि इसके 5 चरण हैं और पहला चरण आज शुरू होगा, कितने स्टेशन होंगे इसमें, कौन कौन से स्टेशन है? देखिए मैं बात करूंगा कि अभी पहले फेज में जो स्टेशन बनाए गए हैं, गुलधर है, गाजियाबाद का फायरोबाद स्टेशन है,
और गुलघर दुहाई डिपो है, दुहाई है, तो ये पांच स्टेशनों, फिलहाल पांच स्टेशनों को खोला गया है और उसके बाद आम नागरिक इसमें सफर जो है वो अपना कर सकते हैं। फिलहाल इसको अभी आगे की तरफ जो काम है वो जारी है। मेरठ और गाजियाबाद की दूरी है वो अब करीबन 45 से 55 मिनट की ये समय सीमा दी गई है जिसमें ये लोग सफर तय कर पाएंगे और जात मिलेगा इसकी उसी के साथ लोगों को कम समय, इसमें समय भी बचेगा, समय से अपने स्टेशन पे अपने जगह पर जा पाएंगे। इसी के साथ इसको आधुनिकीकृत किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री का भी कल दौरा था, वो उन्होंने आके यहाँ की व्यवस्थाएं जांची है, देखी कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं उन्होंने आके कल पूरा जमीनी स्तर से बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके उन्होंने यहाँ पर देखा जांचा कि कितनी तैयारियां जो है वो हो चुकी है, लगभग पूरी तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन ने कर ली है। बिल्कुल अजीत, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस कुछ ही देर बाद देश को अपनी पहली रैपिड रेल मिलने वाली है। अजीत, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। तो दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफर अब और आसान होने जा रहा है। दरअसल आपका इंतजार अब रैपिड रेल के लिए खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आज उद्घाटन करेंगे।